असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवण गत मुक्त्युक्त कथरे। परीक्षित साक्षी है कि सुनने से ही मोक्ष मिला है, तो फिर क्यों क्यों परेशान है आप, क्यों परेशान है? कल्याण तो सुनिश्चित है, कल आपने सुना भी, वह कल्याण करने का एकमात्र साधन क्या है? ईश्वर शरणागति। मैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहा था, उसमें अष्टांग योग का वर्णन आया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम के भी आठ भेद बता दिया है ना, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और बहुत सारे आसन के भी भेद, सबके साधन के बाद में लिखा ईश्वर प्रणिधानाद वा। ये एक सूत्र ऐसा लगा मुझे कि मतलब जान में जान आ गई। पता है क्यों? सारे नियम हैं, बिल्कुल सही बात है जी, अष्टांग योग है, लेकिन एक छोटा सा सूत्र दे दिया उसके बाद ये सब यदि नहीं कर सकते तो ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर लीजिए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी आपको। हाँ, ईश्वर प्रणिधानाद्वा कितनी छोटी सी बात है और कितनी महत्वपूर्ण बात है, हैं? इससे सरल क्या हो सकता है?